नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भरतपुर में 20 लाख मनोरंजन बैंक के नकली नोटों के साथ पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी से 20,05,660 नकली नोट बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान उसके दो साथी मौका पाकर फरार हो गए, तो वहीं थाना प्रभारी दौलत साहू ने बताया कि आरोपी के माध्यम से बड़ा खुलासा होने की संभावना है। वारिस पुत्र हमीदा, तो इनके साथ में तीन व्यक्ति ट्रैक्टर की बेचने का सौदा करते हैं, आलम, अवतार सिंह और जमशेद। एक्चुअली वो तीनों ठग होते हैं। ये तो ये ट्रैक्टर 4,45,000 में बेचने का सौदा करते हैं और रेशा लेकर ये कामा आते हैं, तो आलम नाम के व्यक्ति को भेजते हैं ये। दरअसल क्या है कि सौदा करने के पश्चात ये एक गिरोह है जो ठगी की कार्रवाई करता है, तो ये ऊपर नीचे तो असली नोट लगा लेते हैं और बीच में जो मनोरंजन बैंक के जो फर्जी नोट है बच्चों के, चिल्ड्रन बैंक के, वो नोट चिपका के इस प्रकार से पैकिंग करते हैं कि उस बंदे को ऐसा लगे कि ये असली वाले नोट है। चूँकि इन्होंने समय पर रिपोर्ट दी और पुलिस ने इनको पकड़ा और इनसे वो फर्जी नोट और उस पूरी पैकिंग को पकड़ा, खोल के देखा तो उसमें कुछ नोट तो ओरिजिनल ऊपर नीचे, तो बाकी उनमें अंदर जो है वो चिल्ड्रन बैंक के नोट है। कार्रवाई कहाँ से करी सर? हाँ जी, कार्रवाई कहाँ से करी सर? ये वारिस ने मुकदमा दर्ज कराया है कि इनके साथ में लोग ठगी करने का प्लान करके आए थे, सौदा करने के नाम पर इनके नाम साथ में ठगी की है। अब तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अब तक हमने आलम को पकड़ा है, इसके दो साथी हैं वो भी फरार है, उसकी तलाश जारी है, पत्रावली में अनुसंधान जारी है। खबर भिलवाड़ा से है, जहां सुभाष नगर पुलिस ने नकली नोट का भांडाफोड़ कर 3,25,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने जयपुर एटीएस और एसओजी की सूचना पर जिले के अलग अलग स्थानों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि नकली नोट गुड़गांव, दिल्ली व हरियाणा से मंगवाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में दलित समाज पर बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में पिछले 3 सालों में दलित समाज पर जुल्म, ज्यादती और अन्य अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि सरकार और कानून के ढीले रवैये की वजह से दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। नगर कस्बे के सीकरी रोड पर दरगन कॉलोनी में फल विक्रेता जितेंद्र सैनी की हुई संदिग्ध मौत में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि मृतक के भाई विजेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई जितेंद्र की हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी दीपा पर हत्या करने का आरोप लगाया। तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की, जिसमें मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करना कबूल किया है। दिनांक 21/3/2022 को सुबह 4 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सीकरी रोड पर एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने मकान में घायल अवस्था में कोई व्यक्ति पड़ा है, उनसे लखपत हुआ। उस पर रात्रि का इंटरव्यू हुआ, मैं खुद स्वयं में जाता के हम पहुँचे हैं। वहाँ एक हीरालाल प्रजापति का मकान है, उसमें जितेंद्र सलोभ बदले राम निवासी बेरू किराए से रहता था और ढकेल लगाता था सब्जी का कस्बा नगर में, और उसकी रात्रि को संदिग्ध अवस्था में हत्या हो गई थी। इस पर उसके भाई विजेंद्र सिंह ने थाने पर रिपोर्ट पेश किए, जिस पर मुकदमा दर्ज करके वो तफ्तीश शुरू की गई। श्रीमान एसपी साहब भरतपुर श्री श्याम सिंह जी द्वारा प्रकरण की गंभीरता और जघन्य अपराध को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिस पर श्रीमान एडिशनल एसपी साहब डी रघुवीर सिंह जी कबिया और हमारे सीओ साहब हैं रोहित कुमार जी मीणा के दिशा निर्देशन में मेरे द्वारा थाने से तीन टीमों में 17 जवान गठित करके और मुजरिमों की पता चलने हेतु इलाके में भेजा गया। हमने CCTV फुटेज वगैरह और संदिग्ध व्यक्तियों से आसपास से पूछताछ की गई। सर्किट
इसके मृतक की पत्नी पर था, उसको डिटेन करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताया कि वो शादी के बाद से अपने पति से परेशान थी, उसका पति उसके साथ शराब पी करके उसके साथ मारपीट करता था, हैवानियत करता था, बर्बरता करता था, क्रूरता करता था और वो बहुत तक परेशान हो चुकी थी और उससे वो बीमारी से भी ग्रस्त हो चुकी थी, उसके पेट में बीमारी हो गई थी नोटिस में और उसके इलाज भी चल रहा था। दिनांक 21/3/22 को रात्रि में उसका पति जितेंद्र पत्नी के साथ में बहुत क्रूरता की थी, हैवानियत की थी, इससे ये दीपा बहुत परेशान हो चुकी थी, तंग आ गई थी। इसने मन में ये ठान लिया भाई मेरे दो बच्चियां हैं और इसकी इनकी ज़िंदगी का क्या होगा, तो इसने इसको ठिकाने लगाने के लिए नींद की उसको गोलियां दे दी। तो गोलियां दे करके ये जब ये गहरी नींद में सो गया तब इसका गला दबा करके और चाकू से वार करके इसकी हत्या कर। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में एक महिला ने भवानी मंडी आकर नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लेकर अपना जन्मदिवस मनाया। बता दें कि मध्य प्रदेश निवासी रश्मि गुप्ता काफी समय से नेत्रदान का संकल्प लेना चाह रही थी, ऐसे में जन्मदिन के अवसर पर भवानी मंडी आकर नेत्रदान के संकल्प की इच्छा प्रकट की, परंतु जब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि नेत्रदान की तरह अंगदान भी देश को सख्त आवश्यकता है तो उन्होंने नेत्रदान के साथ साथ अंगदान का भी संकल्प लिया। खबर हनुमानगढ़ से है जहां बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज की पवन के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा के अंतर्गत NMPG कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के आगे माला अर्पण कर हुई तो वहीं छात्रों को प्रेरित करने के लिए नशा मुक्ति आयोजन पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया। मकराना के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय राजौरावास में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेघवाल समाज सेवा समिति के मंत्री गंगाराम मेघवाल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार ओसवाल ने की। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और विद्यालय की ओर से प्रतिभावान विद्यार्थियों को पारितोषित वितरित किए गए। दूदू में शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्तों ने शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान युवाओं ने जोश के साथ भारत माता व शहीद भगत सिंह अमर रहे के जयकारे लगाए। कठुमर कस्बा स्थित अहिंसा सर्किल पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी वीर भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान सरपंच, पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रधान ने शहीदों के चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को इन तीन देश के सपूतों को बड़े दुख के साथ बड़ी दुखांत घटना हुई थी। आज ही के दिन इनको फांसी लगी थी और ये फांसी, इनका बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए मील का पत्थर बना। आज कठुमर कस्बा के आसपास के सभी युवाओं ने मिलकर के इस शहीद दिवस को बहुत ही श्रद्धा से और एक आस्था से सबने मिलकर महा मनाया है। इस कार्यक्रम के बाद पासी में एक पंडाल बनाया गया है, उसमें हमारे क्षेत्र की जो वीरांगनाएं हैं उनका स्वागत सम्मान का कार्यक्रम भी है। कापरेन शहर के एक निजी कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया और वर्तमान हालत में बढ़ रहे साइबर क्राइम, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन, शिक्षा व सुरक्षाओं की जानकारी दी गई। सेमिनार के मुख्य वक्ता रहे पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीना ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए इनसे बचाव की जानकारी दी और कोई भी परेशानी समस्या होने पर परिजनों को अवगत कराने व पुलिस को इसकी सूचना देने को कहा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, तब तक लिए देखते रहें TPV न्यूज।